इस क्वेश्चन में जैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ दिया गया है. अब ये तो आइडियल गैस के लिए होता है, जेड इज इक्वल टू वन. लो प्रेशर रीजन हो या हाई प्रेशर रीजन हो, इसमें एच टू एच ई का ग्राफ ऐसे दे रखा है. इसको बोलते हैं रिपल्शन वाला जोन, पॉजिटिव डेविएशन. इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन, अट्रैक्शन वाला स्पेस. तो लो प्रेशर यानी हम प्रेशर एक्सिस पे बढ़ी रहे हैं. तो यहां पे जो अदर गैसेस में तो पहले नेगेटिव डेविएशन हो रहा है और फिर पॉजिटिव जा रहा है ऐसे. तो हाइड्रोजन एंड हीलियम शोज पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, ये तो लो प्रेशर में भी यहां स्टार्टिंग है. CO, CH4 एंड O2 शो नेगेटिव डेविएशन. ये पहले नीचे जा रहा है ऐसे, आपके क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं. फिर CaH2 एंड HE शो नेगेटिव डेविएशन. नो, ये तो इन टेम्परेचर कंडीशन अराउंड 0°C पे, इनमें तो रिपल्शन ही जो है वो डोमिनेट करता है. इतने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम है, अट्रैक्शन वैन डेर वाल कांस्टेंट की तो ऑलमोस्ट जीरो वैल्यू हम ले सकते हैं, तो इनमें तो रिपल्शन ही डोमिनेट करता है. तो ये कह रहे हैं कि जो है यहां पे सी में ये नेगेटिव और उसके भी उल्टा दिया हुआ है पॉजिटिव. सी इनकरेक्ट हो गया. फिर एच टू एंड एच ई आर लेस कंप्रेसिबल. जो रिपल्शन वाले हैं यहां रहते हैं अपर पार्ट वाली तरफ इस लाइन के, तो वो तो रिपल्शन वाले ही हैं. तो वो तो आइडियल गैस से इन कंडीशंस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, वॉल्यूम ज्यादा है, तो रिपल्शन ही लेस कंप्रेसिबल है. और नीचे वाले में अट्रैक्शन है तो मोर कंप्रेसिबल है. तो ये सही है. देयरफॉर सी इज द इनकरेक्ट एंड इट इज द आंसर.